दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में, किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखकर संतुलित रखकर रोग मुक्त रहा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूँगा विभिन्न ज्वरों में क्या लेना चाहिए, विभिन्न ज्वरों में अनुपान। विभिन्न ज्वर या बुखार में क्या लेना चाहिए या विभिन्न ज्वर में अनुपान। दोस्तों ज्वर या बुखार के बारे में आयुर्वेद में बहुत ही विस्तार से एवं बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से लिखा गया है। आयुर्वेद में अनेक प्रकार के ज्वर बताए गए हैं और दोस्तों आज के वैज्ञानिकों ने भी अनेक प्रकार के ज्वरों का वर्णन किया गया है। आज बात कर रहे हैं आयुर्वेद के अनुसार अनेक प्रकार के ज्वरों में क्या क्या अनुपान या सहपान लेना चाहिए। साधारण ज्वर में तुलसी की चाय, शहद, तुलसी के पत्तों का रस, पान का रस या मिश्री की चाशनी। वात ज्वर में शहद, गिलोय का रस, चिरायते का ठंडा कषाय, तुलसी के पत्तों का रस, लौंग का पानी। पित्त ज्वर में पटोल के पत्तों का रस, पित्त पापड़ा का रस या क्वाथ, गिलोय का रस या क्वाथ, नीम की छाल का क्वाथ, मुस्तकादि क्वाथ। कफ ज्वर में शहद, पान का रस, अदरक का रस और तुलसी के पत्र का रस या क्वाथ। विषम ज्वर में शहद, पिपली का पाउडर, हार श्रृंगार के पत्तों का रस, बेल के पत्तों का रस, बेल के मूल का पाउडर, नागर मोथा, कुटज बीज, पाठा की जड़, आम के बीज, अनार के फल की छाल, धाये के फूल। सन्निपात ज्वर में अदरक का रस, तुलसी या सहजने का रस, दसमूल क्वाथ, तगरादि क्वाथ, नागरादि क्वाथ, पिपली मूल क्वाथ। शीत ज्वर में भांगड़े का रस या काली मिर्च का क्वाथ या गर्म पानी। जीर्ण ज्वर में पुराना बुखार में शहद, पीपल, जीरा, गुड़ या जीरा मिश्री, वर्धमान पिपली, सीतोपलादि चूर्ण व मधु या शहद या सीतोपलादि पाउडर के साथ घी गर्म करके ठंडा किया हुआ दूध जिसे धारोष्ण कहते हैं, शक्कर व सौंठ का पाउडर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए लखेड़ा आयुर्वेद को और लेते रहिए योग आयुर्वेद स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।